हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंडक्शन का यूज़ कैसे करते हैं। इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है या फिर आप स्टोव में खाना बनाते हैं, तो उससे बेस्ट ऑप्शन इंडक्शन को यूज़ करना है। तो चलिए मैं इसे बताना शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है उषा कंपनी का इंडक्शन। ये 1500 वाट का है। आप देख सकते हैं 6 बटन इस साइड है और 5 बटन इस साइड है। इसमें से एक ऑन ऑफ का बटन है। इंडक्शन को पहले भी मैंने 1.5 से 2 साल यूज़ किया है, तो मुझे एक्सपीरियंस है इंडक्शन यूज़ करने का, और ये बहुत ही आसान है यूज़ करना। इसके लिए ना हमें इंडक्शन बेस बर्तन ही चाहिए, जैसे कि कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, तवा हो गई। ये देखिए, ऐसे इंडक्शन बेस बर्तन होता है। ये डॉट डॉट देख रहे हैं ना, ये इंडक्शन बेस बर्तन है। तो हमें इसके लिए इंडक्शन बेस बर्तन चाहिए, या फिर स्टील का आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको स्टील का बर्तन यूज़ करके बताऊंगी कि कैसे यूज़ करते हैं स्टील का बर्तन। तो यहाँ पे मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने ये स्टील का बर्तन जिसमें दूध है, इसे हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी कि आपको कैसे यूज़ करना है इसे। तो यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया है। स्विच ऑन करने के बाद ऐसे दिखेगा। अब यहाँ से हम ऑन की बटन को ऑन कर देंगे। ये देखिए, ऐसे दिखेगा आपको 120 पे। अब हमें दूध गर्म करना है, तो हम मिल्क और टी के बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपको डीप फ्राई करना है, तो डीप फ्राई के बटन प्रेस कीजिए। सब पे लिखा हुआ है, इडली, करी, डोसा या रोटी बनानी है, या फिर मैनुअल आपको यूज़ करना है, तो आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैनुअल अगर हमें यूज़ करना है, तो हमें मैनुअल के बटन को प्रेस करना पड़ेगा ऐसे। और इससे फिर आप स्लो कर सकते हैं, इससे आप फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमर का बटन है, टाइमर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉज की बटन है। अगर हम इसे प्रेस करते हैं, तो देख सकते हैं नीचे की जो लाइटें हैं ये चली जाती है, जैसे हम पॉज की, मतलब वो स्टॉप हो जाता है उसी जगह पे। वापस से ऑन करेंगे पॉज का बटन, तो फिर वो दूध गर्म होने लगेगा, या कोई भी चीज़ आपने रखा है तो वो स्टार्ट हो जाएगा वापस से। यहाँ पे 3 है, मिनिमम, मीडियम और मैक्सिमम। जैसे आप गैस की फ्लेम को स्लो करते हैं, मीडियम रखते हैं और मैक्सिमम रखते हैं, वैसे आप इसको भी मिनिमम, मीडियम, मैक्सिमम कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ हम मिनिमम या मीडियम पे ही करते हैं। मैक्सिमम में बहुत कम चांस होता है कि हम मैक्सिमम में जाके कुछ चीज़ें बनाएं। अभी हम दूध गर्म कर रहे हैं, इसके लिए हमने मिल्क के बटन पे किक कर दिया है कि दूध गर्म हो जाए। जैसे कि इसमें खाना भी बहुत जल्दी बनता है। आप सोचिए कि इसमें बहुत टाइम लगता है बनाने में, गैस में जल्दी होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो के एंड में कुछ सवालों का जवाब भी दूंगी जो लोगों के मन में उठ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, दूध गर्म होने लगा है। तो यहाँ पे देखिए, दूध में उबाल आ चुका है। और एक चीज़ और है कि इसमें जो भी बर्तन रखते हैं ना, ये ज़्यादा गर्म नहीं होता है। अभी देखिए, इसे मैंने हाथ से ही इससे नीचे उतार कर रखा है, बट फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। जब भी आप कुछ बनाते हैं इसके ऊपर, तो आप कपड़ा यूज़ कीजिए उसे नीचे उतारने के लिए। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसे यूज़ करने के टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसे साफ़ करना भी बहुत आसान है। आप सूखा कपड़ा ले लीजिए और इसे इस तरीके से साफ़ कर दीजिए, या फिर हल्का सा गीला कपड़ा भी लेके आप इसे साफ़ कर सकते हैं, बट ये ठंडा होने के बाद, क्योंकि ये कुछ भी अगर हम इस पे गर्म करते हैं या कुछ भी बनाते हैं, तो ये गर्म रहता है, तुरंत ठंडा नहीं होता है। तो हम इसे थोड़ी देर के बाद ही साफ़ करें, तुरंत साफ़ नहीं करना है यहाँ पे। अब मैं बताऊंगी कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसे यूज़ करने के टाइम पे। तो जब भी हम इंडक्शन यूज़ करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे कोई भी पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम इंडक्शन को बंद करते हैं या चालू करते हैं, तो सबसे पहले हमें मेन स्विच ऑन करना है, उसके बाद हमें ऑन ऑफ़ की बटन को प्रेस करना है। और अगर आपको बंद करना है इंडक्शन को, तो सबसे पहले आप ऑन ऑफ की बटन को प्रेस करें, उसके बाद आप फिर मेन स्विच को बंद करें। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि इसको जब हम लेते हैं, अगर इसमें कुछ डैमेज है या कोई प्रॉब्लम है, तो ये रिटर्न हो सकता है क्या? तो जी हाँ, आप 15 दिन के अंदर इसे कभी भी रिटर्न कर सकते हैं, और इसके साथ में 1 ईयर का आपको वारंटी भी मिलता है। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि इंडक्शन बाई करने के टाइम पे इंडक्शन बेस बर्तन साथ में मिलता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बर्तन हमें अलग से लेने पड़ते हैं और इंडक्शन अलग से मिलता है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो जी बिल्कुल नहीं, इसका वेट बहुत हल्का है, ये अराउंड 1 kg 1.25 kg के आसपास है इसका वेट। अगर कुछ डाउट है या आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।